हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी अन्वेषण में स्वागत है दोस्तों आपका। और बहुत बहुत दोस्तों थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने उबेक्स में हमको इतना अच्छा सपोर्ट किया। दोस्तों एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उबेक्स वीडियो कॉन्टेस्ट, जिसका रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको लास्ट वीडियो में कवर करना रह गया था क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं था, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में जो कॉन्टेस्ट हुआ था गया, मनी मनीष चैनल को भी विनर चुना गया दोस्तों उबेक्स में। और थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का, आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया और उबेक्स ने भी हमको, उबेक्स का भी थैंक यू, उन्होंने हमको एज अ विनर सेलेक्ट किया। ठीक है, तो हम भी मोस्ट लाइकली कैटेगरी में चुने गए दोस्तों। हमारा चैनल जो है आया है, ये सब आप लोगों की बदौलत है दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए चैनल के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है आपके लिए और हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खबर में मैं बता दूं, उबेक्स के बारे में ही बता देता हूं आपको। सबसे पहले उबेक्स दोस्तों अभी आप लोग मिस ना करें, ये बहुत अच्छा आईसीओ है 2018 का। अभी आप देख सकते हो उबेक्स की मार्केटिंग कितनी जबरदस्त चल रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज में कॉइन मार्केट कैप में ये आ रहा है और इसकी बहुत जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है जो, और वो ये बहुत ज्यादा हाइप बन गया है उबेक्स दोस्तों। आपको मैं बताऊं कि अभी आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बन चुकी है, यानी कि ये क्रिप्टो मार्केट कैप में लिस्ट हो चुका है ऑलरेडी और साथ में इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों और ट्रेडिंग में ये अप जा रहा है। अभी आप इसका प्राइस देख सकते हैं, ये ऑलरेडी 10x हो चुका है दोस्तों, 0.01 सेंट पे ये ट्रेड कर रहा है। और जबकि आईसीओ का प्राइस 0.005 सेंट के अराउंड है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आईसीओ खत्म नहीं हुआ है, आईसीओ यानी कि टोकन सेल अभी भी चालू है, अभी भी टोकन सेल चालू है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हार्ड कैप को बढ़ाया है। और तो अभी देख लीजिए इसमें कैसे बाइंग चल रही है, हाफ इथेरियम इतनी बीटीसी की। अभी देखिए चाइना में भी किसी ने खरीदारी की है, चाइना में इसने खरीदारी की क्योंकि चाइना से निकल के एक न्यूज आ रही, क्योंकि चाइना में अभी उबेक्स की टीम चाइना पहुंच चुकी है और वहां पे इनका रोड शो वगैरह चल रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं वो आपको खबर पे लेके चलता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 88% कंप्लीट हो चुका है सर, 12% रिमेनिंग है दोस्तों, बहुत जल्दी हो जाएगा। जो लोग इस आईसीओ को चूक गए हैं वो अभी भी बाय कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही देख सकते हैं आप, ये 3 एक्सचेंज में ऑलरेडी चल रहा है और ये इसकी प्राइस भी वही है दोस्तों, 0.005 सेंट के अराउंड ये अभी भी है, यानी कि आप कुछ सेंट में खरीद के प्रॉफिट ले सकते हैं 10 गुना का। ठीक है, क्योंकि ये एक्सचेंज में ऑलरेडी ये प्राइस पे चल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट है। लेकिन अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये सब टॉप रेटिंग आईसीओ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं पहले भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बताया हूँ, पुराने वीडियो आप उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे दोस्तों, और फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसमें लाइटकॉइन और इथेरियम और बीटीसी अगर आपके पास है तो इससे बाय कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक को, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मैं दे दिया मैंने, आप वहां जाके साइन अप कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स जुड़ गए हैं दोस्तों, और एक हमारी मनी टीम है जिसमें हम साथ में मिलकर काम करते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें। तो और इसमें कुछ विनर्स भी होंगे तो हम बाद में अनाउंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, और इसमें अगर आप करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। मून ब्लू मून बोलते हैं ना, वो है एक बहुत ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको मिस ना करें। अभी ये आईसीओ चल रहा है 0.005 सेंट पे, इसको खरीद सकते हैं आप, और इथेरियम का प्राइस भी गिरा हुआ है उसके बाद ये आने वाले टाइम में। लेकिन दोस्तों मैं बोल दूं आपको, एक वार्निंग यहाँ पे दे दूं कि क्रिप्टो करेंसी और आईसीओ मार्केट 100% रिस्की होते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप आए, इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं कमा सकते पैसे। ठीक है, तो जो रिस्क ले सकता है थोड़ा सा वो आ सकता है इसके अंदर, और इसमें हमको सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए हम आईसीओ को कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे आईसीओ सक्सेसफुल रहे हैं दोस्तों, और उसी में ये उबेक्स भी है जो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी अभी टोकन सेल खत्म नहीं हुई, ऑलरेडी इतना हाइप हो चुका है और ये ऑलरेडी कॉइन मार्केट में लिस्ट हो चुका है। और इसमें आपको मैं बताऊं, बड़े बड़े एक्सचेंजों में ये आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं बीटीसी अल्फा में ट्रेड हो रहा है, बिट फॉरेक्स, बिट मार, आईडेक्स में ट्रेड हो रहा है, और ये आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज में आने वाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। तो मैं कहूंगा आईसीओ की कैटेगरी में अगर कहूँ तो ये नंबर वन आईसीओ है 2018 का। और आप देख सकते हैं कोको कोला जैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप है, पॉप्स बिजनेस में आया है ये, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं इसको, आप जाके पढ़ सकते हैं और मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं।
तो दोस्तों नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी है, और आप देखेंगे लिमिटेड टोकन अब बचे हैं, सब लोग इसको बाय करने की होड़ लगी हुई है इसमें। देखिए फटाफट इसमें बाय हो रहा है, आप देख सकते हैं, कोई रोमानिया से परचेस किया, अर्जेंटीना से परचेस किया, ठीक है, 88% हो गया। ये सिर्फ 28,800 हार्ड कैप तक रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ, आइए सुनते हैं, चलते हैं न्यूज की तरफ, क्या है आज की लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है बिटमैक्स की तरफ से। और बिटमैक्स का जैसे कि आपको मालूम है कि ग्लिच आ गया था बिटमैक्स में, जिसके कारण बिटकॉइन का जो प्राइस था वो 8,000 पहुंच गया था, एकदम एक मिनट में वो 8,000 पहुंच गया। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन एक्सचेंज इन द ग्लोबल मार्केट हैज एक्सपीरियंस अ डाटा ग्लिच इन देयर सिस्टम व्हिच सेंड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन फ्रॉम 6,500 टू 8,000 विद इन मिनट्स। दोस्तों एक बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है जिसका नाम है बिट मैक्स, जो नंबर वन एक्सचेंज बोला जाता है आज के डेट में बिटकॉइन से रिलेटेड, ये लेवरेज ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट है। तो इसमें एक ये ग्लोबल मार्केट में ये एक्सपीरियंस हो कि कुछ डाटा ग्लिच हो गया था, इनके अकॉर्डिंगली डाटा ग्लिच हो गया था सिस्टम में, जिसके कारण प्राइस एकदम से 6,500 चल रहा था, और देखते देखते सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जितने भी थे उसमें ट्रेड कर रहे थे, अचानक देखा कि वो $8,000 पे पहुंच गया दोस्तों एकदम कुछ ही मिनट में। तो सब हैरान हो गया उसको देख के, लेकिन इनका कहना है दोस्तों कि वो 8,000 पे पहुंचा जरूर है, वो कुछ डेटा ग्लिच हो गया था उसके कारण हो गया है। तो दोस्तों ये सब होने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर और क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया है इस एक्सचेंज को, इस अबनॉर्मल बिहेवियर को, जिससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी जो बिटकॉइन ईटीएफ आने की वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको अप्रूव मिलने में थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी इनका कहना है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हुआ था कि एकदम से सडन से इनका कहना है कि कुछ ग्लिच आ गया था, लेकिन सब इन्वेस्टर और ट्रेडर का कहना है कि ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं। दोस्तों 6,500 से एकदम से 8,000 पहुंच गया था, और वो एक जस्ट ग्लिच था कह रहे हैं, जिसमें विजुअल बग भी बोला जा रहा है इसको, तो कुछ एकदम से जंप हो गया था वो दिखा था, तो उस कारण समझते हैं दोस्तों क्या है। तो सबने इसके लिए ठीक नहीं बोला है कि ये ठीक नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं बिटमैक्स नंबर वन एक्सचेंज हो चुका है अभी, आप देख सकते हैं दोस्तों बिटफिनेक्स और कॉइनबेस थर्ड नंबर पे आते हैं, सेकंड और थर्ड पे आते हैं बिटफिनेक्स, और क्रैकन आता है फोर्थ पे। सबसे पहले जो आ रहा है वो बिटमैक्स आ रहा है, क्योंकि इसमें जो लेवरेज ट्रेडिंग होती है दोस्तों, और इसमें सब मोस्टली सब ट्रेडर्स इसमें लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, जो 50x तक का और उससे भी ज्यादा हमको लेवरेज ट्रेडिंग करने मिलती है। तो बिटकॉइन, बीटीसी और इथेरियम, जैसे कि यहाँ पे एक आर्थर हायस का एक ट्वीट है जो सीईओ है बिटमैक्स के, उन्होंने क्या बोला है इसमें कि द एक्सचेंज हैज बिकम द ऑपरेटर ऑफ द मोस्ट लिक्विड ट्रेडिंग पेयर इन इथेरियम मार्केट। इथेरियम मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विड ट्रेडिंग पेयर यहाँ पे है, तो वो कह रहे हैं कि आप आके भी इसमें कर सकते हैं ट्रेडिंग। उसके वजह से क्या है कि बहुत सारे इसमें और भी चीजें हो रही हैं, और उसके वजह से इसमें बोला जा रहा है कि एज लॉन्ग एज टेक्निकल एंड सिक्योरिटी इशू कंटिन्यू टू इमर्ज द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द एसईसी विल नॉट बी कंफर्टेबल इन अलाउइंग ईटीएफ टू बी बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सचेंज। तो ये सब चीज टेक्निकल और सिक्योरिटी इशू होने के कारण जो क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में हो रहा है, उसका असर ये हो रहा है होगा कि एसईसी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है ईटीएफ को अलाउ करने के लिए, ठीक है, जो प्राइस पे बेस है, एक्सचेंज के प्राइस पे बेस है, उसको अलाउ करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है सर क्या है। और दोस्तों ये एक छोटी सी खबर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एक और खबर निकल के आ रही है जो अभी बता रहा हूँ, डैश इज इन ट्रबल। अब डैश क्यों ट्रबल में ये बता रहे हैं, यहाँ पे पूरा एक आर्टिकल आया है दोस्तों बहुत जोरदार, उसमें बताया कि डैश क्यों गिरते जा रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा बताया गया है कि आर्टिकल में कि डैश बहुत हार्डली हिट हो गया, स्लिप हो गया 17 to 14 बाय द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, 7 में से 14 नंबर पे पहुंच गया और 92% डाउन हो चुका है, ठीक है, उसके ऑल टाइम हाई से।
दोस्तों ये जो है वो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2017 में कहां पे था, डैश 1433 डॉलर पे पहुंच चुका था। उसके बाद गिर गिर के आज अगस्त 2018 में 136 डॉलर पे पहुंच गया है। तो इस हिसाब से बता रहे हैं कि डैश का स्कोप अच्छा नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, पर सच क्या है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ये पहले डार्क कॉइन था दोस्तों, डैश इसकी हिस्ट्री है, डैश की कोई पढ़ सकते हैं अभी आर्टिकल में जाके, फिर उसका नाम डैश पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि जितनी सैलरी ये पे कर रहे हैं आने वाले टाइम में उतनी भी नहीं पे कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, डैश इज नाउ बिलो 200 डॉलर्स। ठीक है, दैट मीन्स डैश प्राइस गोज बिलो 80 डॉलर। ये कह रहे हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, डैश का प्राइस अगर 80 डॉलर के नीचे जाता है तो उनके पास फंड नहीं बचेगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और वो सैलरी भी नहीं दे पाएंगे डीसीजी एम्प्लॉय को। ठीक है, इस तरीके से सब बताया जा रहा है। तो ये एक और है खबर, और दोस्तों मैं बता दूं आपको, सीएनबीसी एनालिस्ट ब्रेन कैली जो है उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल लाइकली बाय फरवरी 2019। बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, एक पॉजिटिव न्यूज है ये इनके द्वारा जो बोली जा रही है कि सीएनबीसी एनालिस्ट है ब्रेन कैली जो बहुत बड़ी एनालिस्ट है, उन्होंने बोला है कि ईटीएफ को अप्रूवल फरवरी 2019 में मिल सकता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है, और मार्केट एकदम से ग्रीन भी दिख रहा है मेरे को, आ जा रहा है 3% अप हो चुका है दोस्तों बीटीसी का मार्केट। आप इथेरियम देखे +22.44% अप है। पढ़ते हैं दोस्तों इस इंटरेस्टिंग खबर को पूरी क्या है। क्रिप्टो एनालिस्ट ब्रेन कैली हैज प्रेडिक्टेड दैट अप्रूवल ऑफ बिटकॉइन बीटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ विल लाइकली एंड अर्लीस्ट कम इन फरवरी 2009 इन एन इंटरव्यू ऑफ सीएनबीसी फास्ट मनी अगस्त 2। तो दोस्तों सीएनबीसी फास्ट मनी में एक इंटरव्यू में क्रिप्टो एनालिस्ट ब्रेन कैली ने बोला है और प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने प्रिडिक्शन है उनका कि जो बिटकॉइन का अप्रूवल है वो जल्द से जल्द फरवरी 2019 में आ सकता है। ठीक है, कैली फोरकास्ट कम हॉट अपॉन द हील ऑफ द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रिजेक्शन ऑफ 9 बीटीसी ट्रेड बेस्ड ईटीएफ प्रपोजल फ्रॉम देयर 3 एप्लीकेंट। दोस्तों जैसा कि आप लोगों सबको मालूम होगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज है एसईसी जो है यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 9 बार बीटीसी ट्रेड बेस्ड ईटीएफ प्रपोजल को। 3 एप्लीकेंट के द्वारा इसमें डाला गया था ईटीएफ प्रपोजल एसईसी ईटीएफ के लिए बिटकॉइन का बीटीसी के लिए, तो वो 9 बार रिजेक्ट हो चुका है दोस्तों, 9वीं बार रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके बोलने के कारण ये बहुत गर्मा गया मामला। एन ईटीएफ इज टाइप ऑफ म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फंड, डिवाइड ओनरशिप ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स इंडेक्स बास्केट इनटू शेयर। दोस्तों ईटीएफ एक टाइप ऑफ म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फंड है जो सबको जो डिवाइड कर देता है ओनरशिप ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव इंडेक्स और बास्केट ऑफ एसेट्स को शेयर में कन्वर्ट डिवाइड कर देता है। ठीक है,